नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आज पालम सादनगर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस भव्य यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल भी तैनात रहा। आयोजकों ने कहा कि सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा का आयोजन शिव मंदिर में होने जा रहा है। देखिए यह रिपोर्ट। हिंदुओं को एकजुट करने और सनातनियों को अपनी संस्कृति याद दिलाने के उद्देश्य से पालम में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। हाथ में भगवा झंडा लिए हजारों लोगों की भीड़ ने धार्मिक एकजुटता की आवाज बुलंद की। भगवा के बीच लहराता देश का तिरंगा राष्ट्रीयता का अद्भुत संदेश दे रहा था। लोगों ने अपनी छतों से फूल बरसाकर इस यात्रा का भव्य स्वागत किया। सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा के चारों तरफ दिल्ली पुलिस का पहरा नजर आया। यात्रा का जो उद्देश्य है, हमने सनातन धर्म का संदेशा दिया है सबको। क्षेत्र में सब माताओं ने मंगल कलश लेकर के मंगल कामना करते हुए, यानी अपने क्षेत्र में मंगल ही मंगल होता रहे, ये मंगल का कलश होता है सिर्फ है, सबके लिए मंगल कामना की है और सनातन धर्म का संदेशा दिया। अभी आज से दोपहर को लगभग 2:30-3 बजे से भागवत कथा प्रारंभ होगी। 7 दिन कथा चलेगी और विशेष करके सनातन धर्म के ऊपर प्रकाश डालते हुए जो हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है उसको बढ़ाने के लिए हम 7 दिन भागवत कथा के माध्यम से सनातन धर्म का संदेशा देंगे। इस यात्रा के जरिए हम बताना चाहते लोगों को सनातन धर्म की ध्वजा ऊंची रहे और क्षेत्र में सांस्कृतिक प्रोग्राम रहे और लोगों की आस्था मंदिरों से इनसे जुड़ी रहे और लोगों में सद्भावना की भावना रहे। और मैं चाहता हूँ कि अगली बार इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, जहाँ जहाँ से हम निकल गए हैं, उससे ज़्यादा ज़्यादा संख्या में इसमें भाग लें ताकि क्षेत्र का अपना जो ध्वजा, धर्म का ध्वजा हमेशा ऊंचा रहे। हमें लगता था कि नई पीढ़ी शायद सनातन धर्म को लुप्त करती जा रही है, परंतु आज हमें आभास हो गया है। सारी जनता जनार्दन का पूरा स्वागत देखकर आज ये आभास हो गया है कि सनातन धर्म अभी जिंदा है और पूरा जोश होश और जुनून के साथ अपना जुटा हुआ है। बोलो सनातन धर्म की, बोलो सनातन धर्म की, बोलो सनातन धर्म की। ये तस्वीर हिंदुत्व की सुंदरता को बयां करती है। सर पर कलश लिए महिलाएं, हाथ में भगवा लिए ये लोग, सीना तान कर चलते सनातनी और इन सब के बीच लहराता देश का तिरंगा हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान कर रहा है। ये भीड़ चीख चीख कर कह रही है, हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें हिंदुओं का साथ चाहिए। हिंदुओं का साथ होगा तो हिंदू राष्ट्र खुद पर खुद बन जाएगा। पालम के शिव मंदिर में 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। अगर आप भी इस कथा में शामिल होना चाहते हैं तो समय रहेगा 4 से 7 शाम को। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।